डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, किसी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीतियों का समुच्चय होती है। किसी भी देश की स्थिति एवं वैश्विक परिस्थितियां सदैव एक समान नहीं रहतीं, इसलिए बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से समयानुसार किसी भी देश की विदेश नीति में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि कोई देश न तो किसी का स्थायी मित्र होता है और न ही स्थायी शत्रु। भारत की जो स्थिति स्वतंत्रता प्राप्त करने के समय वर्ष 1947 में थी, वैसी स्थिति 20वीं सदी के 60 या 70 के दशक में नहीं थी। 20वीं सदी के समाप्त होने तक भारत की स्थिति काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी और अब 21वीं सदी में इसे दुनिया में तेजी से उभरती हुई विश्व शक्ति के तौर पर देखा जाता है। इन्हीं परिवर्तनों के साथ साथ वैश्विक परिदृश्य में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा संकट जैसे मामलों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों में परिवर्तन होते रहे, इसलिए भारत को भी अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए समय समय पर अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना पड़ा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार माना जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री की भूमिका भी निभाई और वैश्विक निःशस्त्रीकरण, गुटनिरपेक्षता व पंचशील के सिद्धांतों पर भारत की विदेश नीति की नींव रखी। उन्होंने कहा था, सारा विश्व इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह जैसी नीति चाहे वैसी अपनाएं, किंतु हम भारतीय तटस्थता की नीति अपनाएंगे और सैनिक गठबंधनों व शीत युद्ध को देने वाले तत्वों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम सारे संसार में मित्रता व सद्भाव चाहते हैं, सबके साथ बंधुत्व व सहयोग का भाव अपनाना चाहते हैं। सह अस्तित्व की नीति शांति का अभ्यदान देती है, युद्ध की संभावनाओं को मिटाती है तथा सबको सहयोग एवं सद्भावना के सूत्र में बांधती है। यह मानव के दृष्टिकोण में परिवर्तन करती है तथा युद्ध की आशंका की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया से संसार को बचाती है। चूंकि चीन भारत का एक पड़ोसी देश है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इससे मित्रता की नीति पर अमल करना शुरू किया। वर्ष 1954 में भारत एवं चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ। विदेश नीति के तौर पर पंचशील समझौते का उद्देश्य पारस्परिक सहयोग के माध्यम से विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना था, किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित करने के दृष्टिकोण से 20 अक्टूबर 1962 को भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में लद्दाख की सीमा पर आक्रमण कर चीन ने जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया। चीन इस आक्रमण के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर भारत को कमजोर साबित करना चाहता था। चीन के इस आक्रमण से जवाहरलाल नेहरू को बड़ा आघात पहुंचा। इसी आघात से वर्ष 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उन्होंने
विदेश नीति के महत्व को समझते हुए एक स्वतंत्र विदेश मंत्री नियुक्त करने का फैसला कर सरदार स्वर्ण सिंह को इस पद पर नियुक्त किया। शास्त्री जी के लगभग 1.5 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में भारत की विदेश नीति यथार्थवादी सिद्ध हुई। इस दौरान भारत के संबंध दक्षिण एशियाई देशों से बेहतर तो हुए ही, साथ ही सोवियत संघ भी भारत के मित्र राष्ट्र के तौर पर उभरा। जब पाकिस्तान ने वर्ष 1965 में भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की हिमाकत की तो शास्त्री जी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उसे भारत के सामने घुटने टेकने पड़े। इसके बाद सोवियत संघ की मध्यस्थता में भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत भारत द्वारा पाकिस्तान के विजित क्षेत्र को वापस करना तय किया गया। लाल बहादुर शास्त्री इस समझौते के पक्ष में नहीं थे, फिर भी न केवल समझौता हुआ बल्कि रहस्यमय तरीके से उनकी वहीं मौत भी हो गई। ताशकंद समझौता किसी भी रूप में भारत के पक्ष में नहीं था। इसे भारतीय विदेश नीति की एक बड़ी विफलता माना जाता है। पाई पेराचेंज। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री सचिवालय को उन्होंने विदेश नीति निर्धारण के प्रमुख केंद्र के रूप में उभारा और गुप्तचर सेवा को सुदृढ़ करने पर बल दिया। राष्ट्रीय हितों के लिए उन्होंने न केवल पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में स्थापित होने में प्रमुख भूमिका निभाई बल्कि वर्ष 1974 में परमाणु परीक्षण को भी अंजाम दिया। इसके कारण अमेरिका जैसे देश भारत के खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप भारत पर अनेक प्रतिबंध थोप दिए गए, किंतु इससे पूर्व वर्ष 1971 में सोवियत संघ से भारत की संधि हो चुकी थी, जिसने हमें न केवल आर्थिक बल्कि सैन्य मदद भी पहुंचाई। सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तब भारत ने उसका समर्थन किया था। इसको भी भारतीय विदेश नीति की एक विफलता के तौर पर देखा जाता है। इंदिरा जी के बाद जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने विदेश नीति के ज्ञाता अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री नियुक्त किया। वाजपेयी ने भारत की मूलभूत विदेश नीतियों में कोई परिवर्तन तो नहीं किया, किंतु किसी भी देश से संबंध के लिए राष्ट्रीय सहमति पर अवश्य जोर दिया। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे का स्पष्ट शब्दों में विरोध कर भारतीय विदेश नीति की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। अपनी मां श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने विदेश नीति को आधुनिक दशा एवं दिशा देने का प्रयास किया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर करने के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में 40 से अधिक देशों की यात्रा की। पड़ोसी देश श्रीलंका में कई वर्षों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए।
इसके बाद भारतीय राजनीति में अस्थिरता का दौर प्रारंभ हो गया। थोड़े ही समय में विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवेगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल इत्यादि के रूप में कई प्रधानमंत्री आए और गए। इस दौरान विदेश नीति के तौर पर कुछ खास बातें भी सामने आईं, लेकिन वे विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं। स्टॉप।